बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रावलपिंडी के अंदर इस प्रॉपर्टी की मार्केट में, जहां हर बंदा अपनी प्रॉपर्टी को सेल पे लगा रहा है, हर बंदा प्रॉपर्टी सेल करके पैसे को प्रॉपर्टी की फील्ड से निकाल रहा है, लेकिन एक ऐसा ग्रुप भी है, एक ऐसी सोसाइटी भी है जो इस टाइम प्रॉपर्टी के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा लगा रही है। तो उस सोसाइटी को आप सब लोग जानते हैं और उस सोसाइटी की डेवलपमेंट, उस सोसाइटी के प्रोजेक्ट को आप सब लोग जानते हैं, लेकिन आप उस सोसाइटी की डेवलपमेंट को नहीं जानते कि इस टाइम वो सोसाइटी पिंडी इस्लामाबाद में कितनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट कर रही है। जहां बहरिया टाउन अपनी डेवलपमेंट बंद कर चुका है, यहाँ पर बहरिया टाउन के अंदर कोई नई डेवलपमेंट नहीं हो रही। इसका आप ये मतलब ले सकते हैं कि बहरिया टाउन अभी अनकरीब जो है वो कोई प्रोजेक्ट शायद लॉन्च ना करे। इसी तरह पिंडी इस्लामाबाद में कैपिटल स्मार्ट सिटी अपनी जो प्रोजेक्ट उसने लॉन्च किए थे उसी के अंदर ही महदूद है, उसी को डेवलप कर रहा है। ब्लू वर्ल्ड सिटी भी अपने जो उसने प्रोजेक्ट 2021 और 22 में लॉन्च किए थे उसी को डेवलप कर रहा है। प्रॉपर्टी की मार्केट में जहाँ नई डिवेलपमेंट नहीं हो रही, वहाँ पर ऐसा कौन सा ग्रुप है जो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉपर्टी की फील्ड में लगा रहा है? तो इस टाइम अगर आप पिंडी और इस्लामाबाद का सर्वे कर लें तो आपको यकीनन ये देखने को मिलेगा कि इस्लामाबाद हाईवे के ऊपर जो एक सिग्नल फ्री जोन बन रहा है टी चौक तक, उसके लेफ़्ट और राइट के ऊपर पाकिस्तान की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो अपने प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर रही है, वो अपनी लैंड भी बाय कर रही है और नए नए कमर्शियल प्लॉट और रेजिडेंशियल प्लॉट भी दे रही है। मैं बात कर रहा हूँ डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की। जी हाँ, अगर आपने अभी तक प्रॉपर्टी का सर्वे किए बगैर प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं तो आप बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाले हैं, क्योंकि आने वाले वक्तों में एक ऐसी पॉलिसी प्रॉपर्टी की फील्ड में, एक ऐसी स्कीम प्रॉपर्टी की फील्ड में आने वाली है कि तमाम जो लोग हैं वो हर फील्ड से पैसा निकाल के प्रॉपर्टी में लगाएंगे, क्योंकि DHA के 3-4 बड़े प्रोजेक्ट पिंडी में जो हैं उनका अर्थवर्क कम्प्लीट हो चुका है, उन तक एक्सेस कम्प्लीट हो चुकी है। बहुत जल्दी DHA उन प्रोजेक्ट को अनाउंस करेगा। 3-4 बड़े बड़े लोकेशंस में आपको बता देता हूँ, अगर आप मुझे कांटेक्ट करते हैं तो मैं आपको वो एरिया भी दिखाऊंगा, आप ख़ुद भी एरिया देख सकते हैं, आप घर बैठे बैठे सैटेलाइट व्यू से भी उस एरिया को देख सकते हैं। सबसे पहले आपने देखना है टी चौक के साथ जो DHA 9 का एरिया है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिवेलपमेंट हो चुकी है और कम्प्लीशन पोजिशन दे रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा ये अब मैं आपको बता रहा हूँ बात पिंडी से मशरक की तरफ, अगर आप पिंडी शहर के मगरब की तरफ देखेंगे सेटेलाइट से या व्यू करेंगे, साइट विज़िट करेंगे, तो अडयाला रोड के ऊपर साउथ रिवर के नाम से एक बहुत बड़ा जो एरिया है, तकरीबन 1500 से ले कर 2000 कनाल तक ये एरिया है, जो अडयाला जेल से तकरीबन 5-6 किलोमीटर आगे जाएँ तो वहाँ से जहाँ खसाला इंटरचेंज बन रहा है, खसाला इंटरचेंज जो रिंग रोड का बन रहा है उसके तकरीबन 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर ये DHA का प्रोजेक्ट है, सिर्फ साउथ रिवर के नाम से, जो डेल रोड से स्टार्ट होता है और टूवर्ड सीधा ये 22 नंबर, उसके अलावा मोरगा, उसके अलावा अयूब पार्क, इसके साथ ये कनेक्ट कर रहा है। ये कोई कागज़ों के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि ये ग्राउंड के ऊपर हुए हुए हैं। तो वो तमाम लोग जो इस टाइम ये सोच रहे हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टी को बेचें, प्रॉपर्टी आगे बहुत बुरी होने वाली है, आप ज़रा खामोश हो के आप ये सोचें कि जहां सब लोग प्रॉपर्टी बेच रहे हैं वहां आखिर DHA क्यों प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है? तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप ख़ुद इसका जवाब लेने के लिए आपको DHA के प्रोजेक्ट विज़िट करना पड़ेंगे। देखें, प्रॉपर्टी की फील्ड में हमेशा ये कहा जाता है कि जब सब लोग प्रॉपर्टी बेच रहे हों तो आप प्रॉपर्टी को ख़रीदें, और जब सब लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हों तो आप प्रॉपर्टी को बेचें। इस टाइम भी यही पोजीशन जो है बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ कर रही हैं, DHA प्रॉपर्टी बाय कर रहा है, सेल नहीं कर रहा। इसके अलावा बाकी तमाम जो सोसाइटीज़ हैं वो सब प्रॉपर्टी सेल कर रही हैं, सोसाइटीज़ के जो मेंबर हैं जिन लोगों ने प्रॉपर्टी ली हुई है मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में वो सेल कर रहे हैं। तो आप प्रॉपर्टी को होल्ड करें, आने वाले वक्तों में बहुत जल्द इंशाल्लाह प्रॉपर्टी के अंदर बहुत बेहतरी आने वाली है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई या आप ये इन्फॉर्मेशन वीडियो लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं तो इसको शेयर करें और स्क्रीन पे दिए गए हमारे नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर लें। होर जानकारी वास्ते साढ़े YouTube चैनल नो लाइक करो, सब्सक्राइब करो ते बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाओ।